और आदाब, न्यूज़ क्लिक में आपका स्वागत है। अभी हम मौजूद है जंतर मंतर पे, जहाँ पे भारत की मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से एक प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। जिस तरह से देश भर में अल्पसंख्यक समाज के प्रति हमले हो रहे हैं और उनके 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 खिलाफ लगातार एक दुष्प्रचार और उनके खिलाफ एक तरह का वैमनस्य फैलाया जा रहा है, उसके खिलाफ ये प्रदर्शन का आयोजन किया गया है। और इस प्रदर्शन में कई उनके केंद्रीय नेतृत्व के लोग शामिल हुए और दिल्ली पार्टी से जुड़े जो तमाम उनके कार्यकर्ता और कुछ आम जनमानस भी शामिल हुए। इनसे बात करके समझने की कोशिश करते हैं ये हमले किस प्रकार के हैं और इसके पीछे की राजनीति क्या है और इनका आगे का रास्ता क्या होगा, जिसके और सरकार से लोग क्या मांग करने यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम नरगिस है, तो मैं श्रीराम कॉलोनी में रहती हूँ। जब जिस वक्त दंगे हुए थे, अभी नहीं, जिस वक्त दंगे हुए थे, जब से एक डरावा सा माहौल रहता है, एक डरावा सा ये माहौल रहता है कि लड़ाई ना हो जाए, कहीं झगड़े ना हो जाए, तरह तरह का सा माहौल। जैसे हम वहाँ जाएँ या के आएँ या के जैसे हम बुरखा उड़ के चले गए वहाँ पर, तो एक देखने का एक अलग ही तरीका होता है। तो बस एक थोड़ा वही माहौल दहशत का बना हुआ है। बस दूसरे सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं? बस मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि अब इतना बहुत कुछ हो गया कि इतनी परेशानियाँ, इतनी दिक्कतें बन गई, अभी ख़त्म हो जाएं तो बेहतर है। बस इस तरीके का माहौल ना बनाएं कि हमें आपस में रहने में कोई दिक्कत या कोई तकलीफ पैदा हो। हम जिस तरीके से पहले रहते थे आपस में मिलजुल के, मुस्लिम या हिंदू भाई, हम जिस तरीके से रहते थे वैसे ही रहें बस। यहाँ पर जब मुझे पता लगा था कि CPIM ने एक कॉल किया है जो कि अल्पसंख्यक के लिए जितने जुल्म हो रहे हैं यहाँ पर हमारे देश में, उसके खिलाफ यहाँ पर एक प्रोटेस्ट है, तो मैं उसमें हिस्सा लेने के लिए आया था। आपको पिछले 4-5 साल में क्या बदलाव दिखता है इस सरकार के आने के बाद, खासकर अल्पसंख्यक, उसमें भी मुसलमान पे जिस तरह से अटैक बढ़े या क्रिश्चियंस पे जिस तरह अटैक हो रहे हैं, उसको आप लोग? बदलाव तो जी पूरा ही हो रहा है, जो हमने कभी नहीं देखा ना सुना वो अब हो रहा है। पहले हर समुदाय का लोग अपनी तरीके से इबादत गांव में पूजा कर सकता था, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से ताल्लुक़ रखता हो, लेकिन वो आज इस तरह से आ चुका है कि वो अपनी मर्जी के, अपने धर्म के हिसाब से अपनी पूजा नहीं कर सकता, उसके धर्म स्थलों को टारगेट किया जा रहा है। मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि सरकार, आप अभी 7 साल आए हैं, 7 साल हुए हैं आपको, अब आप ये चाहते हैं कि हम यहाँ पर बने रहें, अपना देश आगे बढ़ सके, तो आपको ये सारी चीज़ें ख़त्म करनी पड़ेंगी, क्योंकि सबको लेकर ही विकास होता है, देश आगे तभी बढ़ता है जब आप सबको बराबर का हिस्सेदार बनाएंगे। आप तो देख रहे हैं हिंदुस्तान में जब से मोदी की सरकार आई है किस तरह माइनॉरिटीज़ पे, मतलब ख़ास करके मुसलमानों और काफ़ी हद तक क्रिश्चियंस पर हमले हो रहे हैं। आप अखलाक से लगा लें तो आज तक हर बहाने से, कभी लव जिहाद के नाम पे, कभी कन्वर्जन के नाम पे, कभी गाय खाने के नाम पे, कभी गाय की तस्करी के नाम पे, कभी मस्जिदों पे हमले, कभी अभी त्रिपुरा में हुआ, अभी कुछ लड़कों को टेररिस्ट के नाम पे एक ही जगह पे 7 लड़कों को गोली लगी, उनको सलाम करना पड़ेगा उन लड़कों को कि उन्होंने भागने से मना कर दिया, हिम्मत है उनकी, मानना पड़ेगा। तो इस तरह से हमले हो रहे हैं, ईसाइयों के भी गिरजाघरों पे हमले हो रहे हैं। अगर संविधान बचाना है तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों को सामने रखकर डिफेंस के लिए हर नागरिक को आगे आने की ज़रूरत है, ये मैं मानती हूँ। तो आज इसलिए क्योंकि इतने इस प्रकार के हमले हो रहे हैं, वो जो है ना, आज देश भर में CPIM का ये चल रहा है। ये जो डिवीज़न करने का प्रयास कर रही है, डिवीज़न केवल वोट का नहीं, लोगों की दिल और दिमाग को भी डिवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं, जो पूरे देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। और इसलिए लेफ्ट पार्टीज़ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती इसमें। हम लोग जब संविधान बचाव की बात करते हैं, इसका मतलब माइनॉरिटीज़ के अधिकारों का भी बचाव की बात करते हैं। जी, मुजफ्फरनगर में RSS ने 2013 में रायट करवाया था हिंदू, जाट और मुसलमान के अंदर, और उसमें से करीब 67 लोग का जान गया था, इलाके में हजारों लोग बर्बाद हुआ था और बंट गया था लोग, उसी का फ़ायदा लेके BJP सत्ता में आया था। मगर आज जब किसान ने, जब वहाँ मुजफ्फरनगर में लाखों लोग को समावेश किया, तो उस मंच में आके हिंदू मुसलमान जाट मुसलमान एक साथ खड़ा होके बोला, हम RSS के साजिश के वजह से भाई भाई को साथ दुश्मनी किया, हम आपस में बर्बादी किया, एक गलत था, ये गलती हम भविष्य में कभी नहीं करेंगे, और को भी RSS को हम
इस हिंदू मुसलमान राइट करने नहीं देंगे, एक साथ खड़ा होकर मंच में बोला। तो जो आरएसएस बीजेपी जात के नाम पे अलग किया था, आज किसान आंदोलन के नाम पे वहाँ मुसलमान इकट्ठा हुआ, हिंदू इकट्ठा हुआ, और उन्होंने ऐलान किया हम हिंदू मुसलमान सिख क्रिश्चन कुछ भी हो अपना घर में हो, मगर हम किसान। एक नया परिचय, एक टुकड़ा टुकड़ा परिचय जो टुकड़ा टुकड़ा गैंग कहते हैं, असल में टुकड़ा टुकड़ा गैंग का फादर तो बीजेपी है, आरएसएस है। जात धर्म के नाम पे हिंदुस्तानियों को टुकड़ा टुकड़ा कर दो, मगर एक टुकड़ा टुकड़ा को इकट्ठा करके हम मुजफ्फरनगर में दिखा दिया कि हम किसान है, जात धर्म कुछ भी हो हम किसान है। मैं शिवदियार दंगा पीड़ित एरिया से आई हूँ। ये जो त्रिपुरा के लिए हमारा प्रदर्शन है, हम ये चाहते हैं हमें रोजी रोटी दी जाए, ना कि दंगे हमारे साथ। ये इलेक्शन की वजह से जो दंगे होते हैं, इससे अभी भी शिवदियार में जो दंगे हुए उससे भी बहुत सारे लोग पीड़ित हैं, कुछ लोग तो अभी पता ही नहीं है कहाँ गए हैं। और बस यही चाहती हूँ कि जो ये इलेक्शन की वजह से दंगे करवाते हैं ये ना करवाएं। जिस मोटिव पे ये इलेक्शन हो रहे हैं वो मोटिव ज़्यादा मेन है हमारे लिए, दैट्स ऑल। कब तक बर्दाश्त करें? और एक तो इसकी दो वजह हैं, एक वजह तो है कि उनकी आइडियोलॉजी है कि आपकी ये पुण्य भूमि नहीं है इसलिए आप पराए हैं, और वही नफरत जो यहूदियों के लिए हिटलर की थी उसी तरीके से ये मुसलमानों पे और कुछ हद तक ईसाइयों, काफ़ी हद तक ईसाइयों पे यूं हमले कर रहे हैं। लेकिन आप देखिए, ये इन्होंने देश के संविधान को, यहाँ तक कि देश के झंडे तक को तो माना नहीं था, अब वो संविधान को बातिल नहीं कर रहे लेकिन उसको बजा रखते हुए भी वो संविधान को पूरे तौर पे उलट रहे हैं। तो और सेक्युलरिज्म, सबकी बराबरी हमारे देश में, बराबर के हक, ठीक है, वो हमें हमारा संविधान भी देता है। एक सेक्युलर डेमोक्रेटिक हिंदुस्तान में हिंदू और मुसलमान ना बराबर नहीं है, लेकिन अगर हमारी सरकार उन लोगों को संरक्षण दे या उस तरह के कानून लाए जैसे कन्वर्जन वाला कानून है, जैसे CAA है, इस तरह के कानून लाए, तो आप बराबरी के हक को तोड़ रहे हैं। इसका मतलब आप संविधान ही को ख़त्म करने की राह पर गामजन हैं, और इस संविधान के उनकी जो मुहिम है संविधान के ख़िलाफ़, हम उसका विरोध करते हैं। और किस तरह से ये अक़लियतों पर, माइनॉरिटीज़ पर हमले कर रहे हैं, और आप कम्युनल अक़लियती देखें तो मुसलमान और ईसाई हैं, लेकिन अगर आप जातिवादी देखें तो दलितों के ऊपर भी इसी तरह हमला है, मार भी रहे हैं और पिटाई भी कर रहे हैं।